नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। अब तक तो आपने असेसमेंट की तैयारी कर ली होगी ना। आपने तो टाइम टेबल भी बनाया होगा, मंडे को मैथ्स करना है, ट्यूसडे को इंग्लिश करना है और वेडनेसडे को आप मेरा सब्जेक्ट कर लेना हिंदी का, है ना। और आपको चैप्टर्स तो पता है ना, अब तक तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस भी मिल गया है ना। और मैंने सारे टेक्सचुअल आंसर्स भी आपको भेजे हैं, ठीक है। और मैंने आपके नोट्स चेक किए, बिल्कुल सही लिखे हैं आपने, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे रिवीजन, जो कि हमारा पार्ट है 10, 11 और 12। तो आइए चलते हैं हम रिवीजन की ओर। सो आर माय स्टूडेंट्स रेडी फॉर द क्विक रिवीजन। जैसे कि आपको पता है, हमारा असेसमेंट में सिर्फ 3 ही पाठ दिए गए हैं व्याकरण के समेत, वो है पाठ 10, 11 और 12। तो जैसे कि हमेशा की तरह होता है, इस बार भी आपका पहला प्रश्न वही रहेगा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। पहला है, दोनों लड़कियों के क्या नाम थे। ये है आपका पाठ 10, सयाने बच्चों से। मिशा और विनी अथवा मिशा और निन्नी, क्या नाम था दोनों लड़कियों का। एक का नाम था मिशा और दूसरी का नाम था निन्नी। दूसरा है, दोनों लड़कियों के सिर पर क्या बंधे थे। जैसे कि ईस्टर का समय था, इसलिए दोनों लड़कियों के सिर पर लाल रुमाल बंधे थे। लाल रुमाल अथवा रंग बिरंगे रिबन, तो आप किस पर टिक करेंगे, लाल रुमाल, ठीक है। आपने सही टिक किया, इसका मतलब आपने अच्छे से रिवीजन किया है, वेरी नाइस। तीसरा है, केरल की मातृभाषा क्या है, मलयालम अथवा बंगाली। तो केरल की भाषा क्या है, मलयालम। ओनम पाठ आपने रीड किया है ना, उसमें ये पूछा गया है कि केरल की मातृभाषा क्या है। चौथा है, महाबली कैसे राजा थे, दयालु और दानी अथवा अधार्मिक। कैसे राजा थे वो, दयालु और दानी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को क्या दान किया, बहुत सारी जमीन दान कर दी। फिर आता है, मैडम यह गंदगी हमने तो नहीं की है, फिर हम सफाई क्यों करें। ये वाक्य किसने बोला था, दीपू मैडम से अथवा मैडम दीपू से। तो ये वाक्य बोला था दीपू ने मैडम से कि यह गंदगी हमने तो नहीं की है, फिर हम क्यों सफाई करें कक्षा की। तो ये थे आपके सही निशान लगाइए, किस पर, जो सही वाक्य है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए, जो सही है उस पर ही टिक करना है, ओके। नेक्स्ट है आपका, पाठ के आधार पर खाली जगह भरिए। पहला है, अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखने का यह अनोखा डैश है, क्या है बताइए। ये तो पाठ के आधार पे पूरा दिया गया है, ये एक अनोखा नियम है। ओ, आपने करेक्ट बूझ लिया, वेरी स्मार्ट। आपका दूसरा है, आज कक्षा डैश का अपने विद्यालय की सफाई करने का दिन है। कौन सी कक्षा, 3री, 5वीं, 7वीं। ओ, आपको आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। और इसके बाद है, सफाई करते हुए दीपू अपनी डैश से बोला। किससे बात की दीपू ने, अपनी मैडम से। उसके बाद है, आज से सभी बच्चे डैश का खुद ध्यान रखेंगे। आज से सभी बच्चे सफाई का
खुद ध्यान रखेंगे। गॉट इट? फिर आता है हर व्यक्ति की स्वच्छता अभियान डैश होगा। हर व्यक्ति अगर ट्राई करेगा, प्रयास करेगा, तो ही स्वच्छता अभियान क्या होगा बताइए, सफल होगा। ओके, तो ये थे आपके पाठ के आधार पर खाली जगह भरिए, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, पाठ के आधार पर दिए गए उद्देश्य का उचित विधेय से मिलान कीजिए। मैंने आपको बेटा व्याकरण भाग में समझाया था कि उद्देश्य और विधेय किसको बोला जाता है, आप इंग्लिश में बोलते हो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। आप वाक्य पूरा पढ़ेंगे और बूझेंगे कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, पढ़कर उसके बाद ही सही मिलान करेंगे। उद्देश्य, भारतवर्ष में केरल प्रदेश के राजा थे, त्योहारों की धूम मची रहती है, उन्हें पाताल का राज्य दे दिया, तो क्या होगा इसका विधेय है? भारतवर्ष में त्योहारों की धूम मची रहती है, महाबली केरल प्रदेश के राजा थे अथवा उन्हें पाताल का राज्य दे दिया गया। महाबली केरल प्रदेश के राजा थे, देवराज इंद्र उन्हें पाताल का राज्य दे दिया या भगवान विष्णु के पास गए, आपको बूझना है और क्या करना है, मैचिंग करना है, सही मिलान करना है। चौथा है, विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया, केरल प्रदेश के राजा थे अथवा त्योहारों की धूम मची रहती है, सही उद्देश्य को सही विधेय से मिलान आप करेंगे। ओके, चौथा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, दीपू के विद्यालय का अनोखा नियम क्या था? उसके विद्यालय में क्या अनोखा नियम था? आपने पढ़ा था ना हमारा विद्यालय में से? यस, आपको चाहिए तो मैं आपके लिए एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। दीपू के विद्यालय का एक नियम था कि एक एक दिन हर कक्षा के बच्चे मिलकर अध्यापिका की देखरेख में मध्य अवकाश के बाद 15 मिनट विद्यालय की सफाई करते हैं, ठीक है। तो ये उसके विद्यालय का एक अनोखा नियम था। दूसरा है, विष्णु जी ने माँ बलि से क्या मांगा? आपको आता है, ये है आपके पाठ 11 से ओनम में से, कि विष्णु जी ने माँ बलि से क्या मांगा? उनके 3 गज की जमीन मांगी। मिशा की फ्रॉक कैसे गंदी हो गई? पाठ सयाने बच्चे से आपको क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है कि कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं। लिटिल चिल्ड्रन आर वाइजर देन मैन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है बच्चों के लिए कि लिटिल चिल्ड्रन आर वाइजर देन मैन। फिर पांचवा है, केरल में ओणम के त्यौहार को किस प्रकार मनाया जाता है? आपको चाहिए तो आप एक बार फिर से टिक कर सकते हैं, ये है आपके पेज नंबर 66 पर, ये रहा सेकंड पैराग्राफ। 10 दिन ओणम का त्यौहार बड़े उल्लास तथा आनंद के साथ मनाया जाता है। इन दिनों सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से अपने घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से केरल में
ओणम का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नीचे लिखे शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए, बस इनको ऐड करना है बुद्धि। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन शब्दों को जोड़ना है, बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान, कूड़े प्लस दान कूड़े दान, अभी प्लस यान अभियान, नट प्लस खट नटखट, अभी प्लस मान अभिमान। इन शब्दों को बच्चों आपने क्या किया, सिर्फ आपने ये एडिशन का साइन क्या कर दिया, हटा दिया, और दोनों शब्दों को जोड़कर आपने एक नया शब्द बना दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया पूरा रिवीजन, किस तरह से हमें पूरा रिवीजन करना है। ये था रिवीजन आपके पार्ट 10, 11 और 12। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप असेसमेंट में अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, अपने सेहत का ध्यान रखते हुए, मुस्कुराते हुए, ऑल द बेस्ट। नमस्कार।